नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आईक्यू 9 के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन की डिटेल इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। वीवो आईक्यू अपने कुछ नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसमें आपको 9 देखने को मिलेगा, 9 प्रो देखने को मिलेगा, 9 प्रो मैक्स देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप अपने लिए एक बढ़िया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं आईक्यू में तो काफी बेटर रहेगा, आईक्यू 9 भी काफी बढ़िया है। तो आज हम आईक्यू 9 की डिटेल इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं, इन फ्यूचर आपको आईक्यू 9 प्रो प्रो मैक्स की भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन की डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इन फ्यूचर जो जो स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन फ्यूचर में आने वाले हैं, अगर आप उनकी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही अपकमिंग इंफॉर्मेशन की वीडियोज अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं, ताकि काफी बार हम इन वीडियोस को देख सकें, इन स्मार्टफोन लेना चाहें तो ले सकें। अगर आप ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर आपको जो देखने को मिलता है ये आपको 6.78 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। और दोस्तों ये डिस्प्ले आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, 388 ppi पर बेस से 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलती है, पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा बेटर है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा भी आपकी कैमरास के अंदर, सबसे पहले हम इसके बैक कैमरास को ले लेते हैं। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो बैक एंड में कैमरास देखने को मिलते हैं वह दोस्तों 50 megapixel प्लस, 13 megapixel प्लस, 12 megapixel के देखने को मिलते हैं। सेल्फी कैमरा की बात करी जाए तो 16 megapixel का सेल्फी कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया रहने वाला है। अगर इस स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो इस, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वह 4700 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। यह आपको 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देता है, जो कि बेटर रहेगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की नेटवर्क फैसिलिटीज की। इसके अंदर आपको 5G नेटवर्क फैसिलिटीज देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर दोस्तों हम इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के अंदर सबसे पहले हम इसकी रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को ले लेते हैं। तो वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह स्मार्टफोन काफी वेरियंट पर आएगा। इसके अंदर आपको 6GB 128GB भी देखने को मिलेगा, 8GB 128GB भी देखने को मिल जाएगा, 12GB 256GB भी देखने को मिल सकता है। अब आपकी इच्छा है कि आप कौन सा वाला वेरियंट लेंगे, जो भी वेरियंट लेंगे इसकी प्राइस उसी वेरियंट के हिसाब से थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है और होएगी। और दोस्तों बात करी जाए अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस के अंदर सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके चिपसेट की। इसके अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का आपको 8th generation 1 देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर का 3GHz पर बेस्ड सिंगल, और साथ ही इसकी स्पीड को बूस्टर अपग्रेड करने के लिए इसमें सिंगल कोर का आपको 2.5GHz का प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन इसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्टर अपग्रेड करने के लिए इसमें ट्राई कोर का 1.8GHz का CPU देखने को मिलता है, जो कि काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्टर अपग्रेड कर देता है, जो कि काफी ज्यादा बेटर है। और दोस्तों अगर हम इसके ग्राफिक्स की बात करते हैं तो इंटेल का ग्राफिक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। स्मार्टफोन की डिटेल इंफॉर्मेशन जान चुके हैं, 5G स्मार्टफोन रहने वाला है, स्मार्टफोन के अंदर क्या बैटरी बैकअप रहने वाला है, क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्या प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में लोग बात जानना चाहते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस स्मार्टफोन की क्या प्राइस रहने वाली है तो ये स्मार्टफोन आपको लगभग 45-50 हज़ार के अंदर देखने को मिलेगा। फिलहाल ऑफर्स के तहत कुछ फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन आप जब आप ये स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तब ले सकते हैं। अगर दोस्तों बात करी जाए इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट की तो यह स्मार्टफोन कुछ समय में इंडियन मार्केट के अंदर आ जाएगा, इन फ्यूचर मार्च में आने की संभावना लग रही है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहें, लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक अभिनंदन। Then thank you for watching in this video.